जेडीयू ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है और बीजेपी के बागी को अपने दल में जगह दे दी है। अरुणाचल में जेडीयू के निलंबित विधायक को बीजेपी अपने पाले में ले आई, बिहार में बीजेपी के निलंबित विधायक को जेडीयू अपने पाले में ले आई। जेडीयू और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं रातों रात बीजेपी और जदयू के बीच जंग शुरू हो गई है। जिस तरह से लगातार बीजेपी जदयू पर हमलावर थी, लेकिन जैसे ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हैं, अब चाहते हैं कि वो बीजेपी का जवाब दें और इसी को लेकर जवाब देने की तैयारी में है। क्या कुछ तैयारी चल रही है, चलिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के पास। सर बताइए, क्या कुछ तैयारी हो रही है, क्या कुछ? देखिए विशाल, हमने ये खबर पहले दिखा दी है और उस खबर से स्पष्ट है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमने पहले ही बताया है कि बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले अनिल शर्मा को जेडीयू ने अपने दल में शामिल करने का फैसला ले लिया है। अनिल शर्मा की जेडीयू में अनिल शर्मा शामिल हो रहे हैं और ये बड़ी जानकारी है। अगर अनिल शर्मा बीजेपी के बागी हैं तब भी ऐसा होता नहीं कि सहयोगी दल से बगावत करने वाले किसी नेता को अपनी पार्टी में जगह दी जाए। ऐसा उदाहरण हाल फिलहाल के दौर में और खासकर बीजेपी जेडीयू में नहीं है, लेकिन आप इसको बदले की कार्रवाई ही कह सकते हैं। जिस तरह से ये खबर आई, पुख्ता तौर पर हमारे पास जानकारी आई, अनिल शर्मा जी ने मुलाकात भी कल की देर शाम आरसीपी सिंह से, जो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मामला जो है शीशे की तरह फिलहाल तो साफ नजर आ रहा है कि अनिल शर्मा का जेडीयू में जाना तय है। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, वो एक दिन में ज्वाइन करेंगे, दो दिन में ज्वाइन करेंगे, वक्त लगेगा, मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन कल आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई है, हमने अनिल शर्मा से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई और उनके करीबी और अनिल शर्मा खुद भी किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ करीबियों से हमने बात करने की कोशिश की और इसलिए हम ये खबर दिखाने को मजबूर हुए हैं क्योंकि उनके करीबियों ने इस खबर को पुष्ट किया, इस खबर को कन्फर्म किया कि हाँ ऐसी बात चल रही है और बहुत जल्द हम खुशखबरी देंगे। ये शब्द थे अनिल शर्मा के करीबियों के कि हम बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। तो अगर जेडीयू ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है और बीजेपी के बागी को अपने दल में जगह दे दी है तो आप मानेंगे ना कि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायकों में से 6 विधायकों को तोड़ लिया बीजेपी में शामिल कर लिया, बीजेपी ने तोड़ लिया, सबने शामिल करा लिया। उन 6 में से 3 विधायक ऐसे थे जिनको पार्टी ने निलंबित कर रखा था, जो मेरी जानकारी है। जी। तो अरुणाचल में जेडीयू के निलंबित विधायक को बीजेपी अपने पाले में ले आई, बिहार में बीजेपी के निलंबित विधायक को जेडीयू अपने पाले में ले आई। बदला तो ले लिया ना जी, बदला कहेंगे ना इसको? बिल्कुल। ऐसा 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 होता है क्या कि जिसने सहयोगी दल से बगावत की हो उसको अपनी पार्टी में जगह दी जाए? बीजेपी से बगावत की रामेश्वर चौरसिया ने, बीजेपी से बगावत की उषा विद्यार्थी ने, बीजेपी से बगावत की राजेंद्र यादव ने। अगर जेडीयू उनको अपनी पार्टी में लेती है तो नहीं मानेंगे कि बदले की कार्रवाई कर रही जी, है। बिल्कुल, ये तो एक नाम है अनिल शर्मा का, हमारे पास ऐसे कई नाम है, मतलब आगे आने दिन और भी खुलासा होने वाला है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं ये बता देता हूँ, और लेकिन उनको लेकर पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, हम कुछ भी यूं ही नहीं कह सकते। आप यकीन मानिए बहुत मेहनत की है इस खबर के लिए हम लोगों ने और जानकारी जुटाई है, और तो हम आपको बता चुके हैं कि अनिल शर्मा जेडीयू में आ रहे हैं। तो यही रातों रात का विषय है कि इस एक खबर से ये पता लग गया है, इसके संकेत मिल गए हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब पहला बार अरुणाचल में बीजेपी ने किया, लेकिन बिहार में पहला बार जेडीयू ने शुरू कर दिया है और ये बड़ा बदलाव है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बनते ही जेडीयू आक्रामक नजर आ रही है और जो हमारे पास जानकारी है जेडीयू की बैठक में ही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही ये फैसला हो गया है कि आक्रामक रहना है। जो परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से जेडीयू को ट्रीट कर रही है, उस परसेप्शन को खत्म करना है, आक्रामक रहना है, आक्रामक दिखना है, और बीजेपी अब अगर कोई खेल करेगी तो उस खेल का माकूल जवाब दिया जाएगा। तो बिहार में एनडीए के अंदर ही शतरंज की बिसात बीत चुकी है और एनडीए के अंदर ही सहमत का खेल चल रहा है, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब अगर बिहार में बीजेपी ने दूसरा वार कर दिया, यानी कि इस वार पर जेडीयू ने अब जो वार किया है, जो सेंधमारी कर दी है, अगर उस पर पलटवार करती है तो ये बड़ी जानकारी होगी।
तो रातों रात में आपने देखा किस तरह से जदयू और बीजेपी के बीच में जंग शुरू हो गई है। इस खबर को लेकर के जो भी अपडेट आती है लगातार भारत लाइव आपको दिखाता रहेगा। सुबह हो चुकी है, रातों रात आपको मिल गए हैं, रजाई से उठिए और जो भी बड़ी खबरें आती है दिन भर आपको भारत लाइव पर मिलता रहेगा। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।